नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। गणतंत्र दिवस पर विधानसभा अध्यक्ष करेंगे ध्वजारोहण। विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी एवं आउटसोर्स कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, कामकाज हुआ प्रभावित। देर रात बीजेपी कार्यालय के समीप शिव मंदिर पर चला बुलडोजर, जमकर हुआ बवाल। खबरें अब विस्तार से। रीवा में विद्युत मंडल के संविदा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, कामकाज हुआ प्रभावित। हड़ताल में शामिल हुए कई संगठन। प्रदेश सरकार के खिलाफ शुरू हुई नारेबाजी, अपनी मांगों को लेकर पूर्व में भी कई बार आंशिक हड़ताल कर चुके हैं कर्मचारी। आपको बता दें कि विगत कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर आंशिक हड़ताल करने वाले मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के संविदा कर्मचारियों ने अब अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पूरे प्रदेश में एक साथ हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल का सीधा असर पहले ही दिन देखने को मिला, जिसमें विद्युत विभाग का काम काफी प्रभावित हो रहा है। विद्युत संविदा कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर पूर्व में भी कई बार आंशिक हड़ताल की जा चुकी है, जिससे प्रमुख रूप से वेतन वृद्धि सहित दुर्घटना बीमा की मांग की गई है। वहीं विभिन्न विद्युत कंपनियों में कार्यरत संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों का नियमितीकरण भाजपा जनसंकल्प 2013 के अनुसार देने की मांग की जा रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विद्युत कंपनियों में कार्यरत सभी वर्गों के कर्मचारियों की लंबित बेनिफिट्स का भुगतान किए जाने की मांग की गई है। वहीं अधिकारियों एवं कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कैशलेस मेडिक्लेम पॉलिसी के मांग के साथ कंपनी में नियुक्त अभियंताओं के लिए सातवें वेतनमान में परिलक्षित 3P मैट्रिक्स को विलोपित किए जाने की मांग की गई है। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि कंपनियों के कर्मचारी भी कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें नियमितीकरण करते हुए पेंशन का भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से किया जाए। वहीं राज्य सरकार के पैसों के अनुसार महंगाई भत्ता और राहत दी जाए। प्रस्तुत है प्रदर्शनकारी से प्राप्त जानकारी के अंश। मांगों को लेकर हमारी मुख्यतः पांच मांगे हैं। पांच मांगों में हमारी पहली मांग हमारी ये है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको कंपनी में संविलियन किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनको भाजपा जनसंकल्प 2013 के तहत नियमितीकरण का बोला गया था, लेकिन आज तक नियमितीकरण नहीं किया गया है। फ्रिज बेनिफिट अमाउंट जो है उसको लागू करने का है। चौथा हमारा ये है कि जो पेंशनर लोग हैं उनकी पेंशन को हमारा सीधे ट्रेजरी के माध्यम से पेमेंट कराया जाए। पांचवी मांग हमारी ये है कि जो पेमेंट में अनियमितताएं हैं, जैसे किसी कम ज़्यादा, उसको एक समान लागू किया जाए। इस प्रकार हमारी मेनता है, ये कार्य बहिष्कार जो था वो 6 जनवरी से लागू होने वाला था, परंतु अपना इंदौर में भी प्रवासी आवासीय सम्मेलन जो किया गया था, जिसमें माननीय अपने प्रधानमंत्री जी को आना था, उस समय हमारे माननीय PS महोदय के द्वारा ये कहा गया कि हम आपकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से कराएंगे और आपकी जो मांगे हैं उसमें आपको सकारात्मक चीज़ लाएंगे सामने, कि हाँ आपकी मांगों को मंजूर किया जाए, मंजूरी दिया जाए, हमारी तरफ से प्लस पॉइंट दिया जाएगा। परंतु 15 दिन हो गया है, 15 दिन के बाद भी हमारी किसी प्रकार से कोई मुलाकात नहीं कराई गई है माननीय मुख्यमंत्री जी से। इसलिए हम लोग बेबस होके, मजबूर होके यहाँ पे 21 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार में आ गए हैं। जब तक हमारी इन मांगों पे फाइनल डिसीजन नहीं होगा, तब तक हमारा ये कार्य बहिष्कार चलता रहेगा। कई बार आप लोगों ने हड़ताल की है और वो कई बार हड़ताल किए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनकी तरफ से बोला गया कि हम ऐसा करेंगे। कुछ छोटी मोटी मांग को मंजूरी देते हुए हमारी स्ट्राइक को रोक दिया जाता था, लेकिन इस बार हम लोग का फाइनल डिसीजन ये हो गया है कि जब तक हमारी मांग जो मांगे हैं उसको पूर्ण रूप से ना मांगा जाएगा, तब तक हमारे ये कार्य बहिष्कार समाप्त नहीं किया जाएगा। चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, क्या इसका भी असर देखने को मिलेगा? अब चुनाव के तो अलग चीज़ है। अब शासन जो आज की डेट में जो शासन चल रही है मध्य प्रदेश भाजपा जो है, उसी के द्वारा 2013 में जनसंकल्प में कहा गया था, वही आज की डेट में उसी के द्वारा आज तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, तो क्या बोला जाए शासन की तरफ से। मैं राकेश सनोडिया, सहायक अभियंता। देर रात बीजेपी कार्यालय के समीप शिव मंदिर पर चला बुलडोजर, बजरंग सेना सहित अन्य लोगों ने मिलकर किया जमकर बवाल। शहर भर का पुलिस बल मौके पर पहुंचा, प्रशासन के बिना अनुमति से हो रहा था कार्य। आपको बता दें कि शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत भाजपा कार्यालय के सामने कई दशकों से बनी भगवान भोलेनाथ के मंदिर को देर रात JCB मशीन से धराशायी किया जा रहा था। इस बीच आसपास के लोग व बजरंग सेना के कार्यकर्ता पहुंच गए, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम करने का भी प्रयास किया, लेकिन मौके पर पहुंची सिविल लाइन थाना की पुलिस द्वारा मामले को शांत कराने का प्रयास किया गया। देखते ही देखते शहर भर का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। दरअसल देर रात सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित भाजपा कार्यालय के सामने बने दशकों पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चलाकर उसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच वहां से गुजर रहे लोगों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद मौके पर बजरंग सेना कार्यकर्ता भी पहुंच गए।
बढ़ते विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और हंगामा कर रहे लोगों को समझाइश देने का प्रयास किया। इसके बावजूद मंदिर तोड़े जाने से नाराज लोग मानने को तैयार नहीं थे। उनके द्वारा मुख्य चौराहे पर जाम लगाने का प्रयास भी किया गया। घटना की सूचना लगते ही देर रात मौके पर भाजपा नेता समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और उनके द्वारा मामले को शांत करवाया गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जब घटना की जानकारी जुटाई तो पता चला कि मंदिर के समीप ही एक नोटिस चस्पा की गई थी, जिस पर लिखा था कि मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए उसका ढांचा तोड़ा जा रहा है, जिसका दोबारा निर्माण कराकर भव्य स्वरूप दिया जा सके। हालांकि मंदिर के पुजारी और कमेटी के द्वारा इसकी सूचना जिला प्रशासन को नहीं दी गई थी, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों ने मंदिर को तोड़ना गलत बताया। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि मंदिर के ठीक पीछे कई दुकानें संचालित होती हैं, सामने मंदिर होने के कारण उनकी दुकानें प्रभावित हो रही हैं। इसके चलते सत्ता पक्ष के नेताओं की मिलीभगत से कुछ दुकानदारों के द्वारा मंदिर को जेसीबी से तोड़ने का प्रयास किया गया। हालांकि मौके पर पहुंचे नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष वेंकटेश पांडे ने बताया कि मंदिर को भव्य स्वरूप देने के लिए उसमें जेसीबी चलाई गई है, लेकिन वहां से गुजर रहे लोगों ने उसे अलग रूप दे दिया और हंगामा करना शुरू कर दिया। मौके पर उपस्थित एसडीएम अनुराग तिवारी ने बताया कि ठेका तिराहे पर पुराने शिव मंदिर पर कुछ लोगों ने क्षति पहुंचाने का प्रयास किया था। प्रशासनिक टीम की सूचना मिलने के बाद सभी मौके पर पहुंच गए। यहां पर लोगों के द्वारा मंदिर को तोड़े जाने का विरोध किया जा रहा था। घटना की जांच की गई, पता लगाया गया कि मंदिर के पुनर्निर्माण के चलते इसे तोड़ा जा रहा था, लेकिन मंदिर तोड़ने से पहले कमेटी के द्वारा प्रशासनिक टीम और पुलिस को किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई। मामले पर जांच की जा रही है, इसमें अगर किसी के द्वारा कोई अपराध घटित किया गया है तो निश्चित ही कार्यवाही की जाएगी। प्रस्तुत है प्रदर्शनकारी एवं एसडीएम अनुराग तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। यहाँ पर आधी रात को चोरों की भांति यहाँ पर पहुंचकर यहाँ पर प्राचीन 100 साल पुरानी मंदिर यहाँ पर लगातार गिराए जा रहे हैं। अपने निजी स्वार्थ के लिए मंदिर को गिराया जा रहा है, न तो सरकारी एरिया में फंस रही है, न तो कुछ है, और बिना किसी को सूचित किए। कॉम्प्लेक्स पूर्व बीजेपी पार्षद का है, वार्ड क्रमांक 2 क्षितिज मणि त्रिपाठी का, उसके सामने मंदिर है। इनमें किसी न किसी इन्हीं की साजिश है मंदिर गिरवाने में। ये यहाँ पर डेकहा तिराहे में जो शिव मंदिर है, इसको कुछ लोगों ने क्षति पहुँचाई थी, तो इसमें जब हम लोग को सूचना मिली तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर उपस्थित है और लोगों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है कि मंदिर को ऐसे ना तोड़ा जाए। इसमें ये देखने में प्रारंभिक तौर पर आ रहा है कि कोई मंदिर पुनर्निर्माण करने की जिज्ञासा से इसको तोड़ा जा रहा था, और लेकिन इसमें पुलिस और प्रशासन को विश्वास में नहीं रखा गया, हमको सूचना नहीं दी गई, तो प्रारंभिक तौर पे ये पब्लिक न्यूसेंस जैसा बनता है। और आस्था लोगों की जुड़ी हुई है मंदिर से, तो बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। इसको हम लोगों ने प्रारंभिक जांच में लिया हुआ है और यदि अपराध किसी का बाकी पाया जाता है तो कार्रवाई करेंगे। प्रदर्शन कर रहे लोग ये आपको एफआईआर की मांग कर रहे हैं, तो क्या मामला है? अभी जाँच में है, यदि ऐसा लगता है कि इंटेंशनली मंदिर तोड़े जाने के लिए किया गया है ये सब, तो कार्रवाई होगी। सर क्या प्राइवेट लैंड में है ये सब? अब वो लैंड हम लोग कल सुबह चेक करा के बता पाएंगे, अभी तो कुछ नहीं कह सकते कि क्या स्थिति है। देखा जा रहा है कि निर्माण का पर्चा भी चस्पा कर रहा है। हाँ, वही बात संज्ञान में आ रही है कि प्रारंभिक तौर पे पुनर्निर्माण की बात इसमें देखने में आ रही है, लेकिन प्रशासन को और पुलिस को बिना संज्ञान के, बिना किसी सूचना के ये कर रहे हैं ऐसा, तो वो भी गलत था। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां हुई तेज, कोरोना की पाबंदियां हुई खत्म, 2 वर्ष बाद 36 विद्यालय के 1500 विद्यार्थी करेंगे सामूहिक व्यायाम। विधानसभा अध्यक्ष होंगे मुख्य अतिथि, लेंगे परेड की सलामी। आपको बता दें कि कोरोना की पाबंदियों के चलते दो साल वर्ष 2021 एवं 22 में गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूली छात्रों की सहभागिता पर रोक रही है, जिसके चलते सामूहिक व्यायाम के प्रदर्शन नहीं हुए। लेकिन अब कोरोना को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं है, इसलिए इस बार सामूहिक व्यायाम का प्रदर्शन भी होगा। रीवा में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में 36 विद्यालयों के 1500 बच्चे एक साथ सामूहिक व्यायाम कर कार्यक्रम को आकर्षक बनाएंगे। समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां तेज है, इस बात के प्रयास भी किए जा रहे हैं कि ऐसे आयोजनों में आमजन की उपस्थिति बढ़े। आपको बता दें कि 6 विद्यालयों की होगी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ। गणतंत्र दिवस समारोह में 6 विद्यालयों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होंगी, जिसमें 5 निजी और 1 सरकारी विद्यालय है। जिन स्कूलों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी उनमें गुरुकुल स्कूल, सीक्रेट हार्ट, डीपीएस करहिया, ज्ञानस्थली, सरस्वती स्कूल जेल मार्ग एवं एसके स्कूल शामिल है।
एसएफ ग्राउंड में आयोजित समारोह में 9वीं बटालियन, जिला पुलिस बल, पीटीएस, एनसीसी, स्काउट गाइड एवं रेड क्रॉस की टुकड़ियां परेड में शामिल होंगी। गणतंत्र दिवस के समारोह में विभिन्न विभागों की झांकियां शामिल होंगी। अमृत महोत्सव के बाद अब अमृत काल मनाया जा रहा है। विभिन्न विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी झांकियां तैयार की जाएं जिसमें भावी योजनाओं का खाका हो। एसएफ ग्राउंड में इस बार नई व्यवस्थाएं नजर आएंगी। परेड के लिए ट्रैक बन रहा है, यहाँ स्थायी मंच तैयार किया जा रहा है। परेड कंपाउंड के लिए माइक की अंडरग्राउंड व्यवस्था की जाएगी। प्रस्तुत है जिला क्रीड़ा अधिकारी ओपी द्विवेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। ये गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी को जो एसएफ ग्राउंड में मनाया जा रहा है जाएगा, उसी के लिए ये बच्चों के छात्र छात्राओं का शहर के 25 स्कूलों के छात्र छात्राओं का सामूहिक रिहर्सल कराते हैं। 24 तारीख को इसका फाइनल रिहर्सल एसएफ ग्राउंड में होगा। 26 को मुख्य कार्यक्रम में सभी बच्चे वहां भाग लेंगे। ये शासकीय स्कूल के बच्चे हैं, शासकीय और प्राइवेट दोनों स्कूल के बच्चे हैं, सीबीएसई के भी हैं, एमपी बोर्ड के हैं और सरकारी स्कूल के छात्र छात्राएँ हैं। देखा जा रहा है प्राइवेट स्कूल के बच्चे बहुत कम आ रहे हैं। नहीं, प्राइवेट के अधिक हैं सर, कम नहीं है। ये सब प्राइवेट के हैं, सब प्राइवेट के आ रहे हैं। प्राइवेट के जिनकी दूरी है, जो दूरी से आना पड़ता है, वो एक दो स्कूल अपने स्कूलों में कर रहे हैं और फिर मुख्य समारोह में शामिल होंगे। वो जेडी, ये तो है ज्योति स्कूल है और सेक्रेट हार्ट है, परफॉर्मेंस है और बाल भारती है, ज्ञान स्थली है, गीतांजलि है, ये प्राइवेट स्कूल हैं। शहर के नगर की सभी प्रमुख स्कूलें हैं और सरकारी स्कूल है मार्तंड 1, 2, 3, गवर्नमेंट 1, 2, पीके, एसके, पानेटोला मॉडल स्कूल, ये सभी स्कूल नगर के प्रमुख स्कूलों का प्रशिक्षण होगा। ओम प्रकाश दुबे, मैं जिला क्रीड़ा अधिकारी हूँ। आनंद उत्सव में बीजेपी विधायक ने ऑटोमेटिक चाक में बनाए मिट्टी के बर्तन। विधायक ने मिट्टी के बर्तन बनाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश, साथ ही इससे कार्य कुशलता बढ़ने के साथ अधिक संख्या में बर्तन बनाए जा सकेंगे। आपको बता दें कि रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित आनंद उत्सव कार्यक्रम का आज अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां मनगवां विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक पंचूलाल प्रजापति ऑटोमेटिक चाक में मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए, जिसे देखकर वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारी भी दंग रह गए। बताया जा रहा है कि आनंद उत्सव कार्यक्रम में मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को बुलाया गया था। इस बीच ऑटोमेटिक चाक देखते ही बीजेपी विधायक स्वयं मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करने लगे। दरअसल जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आनंद उत्सव मनाए जा रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे कार्यों में भागीदारी निभाकर कई लोग आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा ही आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर रीवा में किया गया, जहां मनगांव विधानसभा क्षेत्र के 85 मिट्टी के बर्तन बनाने वाले परंपरागत शिल्पियों को बिजली से चलने वाली ऑटोमेटिक चाक से मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इस बीच वहां मौजूद बीजेपी विधायक ने भी अपनी कला दिखाई और मिट्टी के बर्तन खुद ही बनाने लगे। जानकारी के मुताबिक आनंद उत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मनगवां पंचूलाल प्रजापति शामिल हुए थे और कार्यक्रम के दौरान ही ऑटोमेटिक चाक को देखकर विधायक के मन में भी मिट्टी के बर्तन बनाने की इच्छा जागृत हुई, जिसके बाद उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ मिट्टी के दीपक तथा अन्य बर्तन बनाए। विधायक की इस कला को देखकर वहां पर मौजूद तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने विधायक मनगवां की इस कला की सराहना की और माटी कला के शिल्पकारों का भी उत्साहवर्धन किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इन दिनों पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके तहत विधायक मनगवां डॉक्टर पंचूलाल प्रजापति ने विधायक निधि से 1,64,000 रुपये का अनुदान भी दिया है, जिसमें प्रत्येक माटी कला के शिल्पी को 2,000 रुपये की राशि दी जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा जिले के 85 गाँव में चुने हुए माटी के बर्तन बनाने वालों को प्रशिक्षण देकर बिजली से चलने वाला चाक भी दिया जा रहा है। इससे इनकी कार्यकुशलता बढ़ने के साथ साथ अधिक संख्या में बर्तन निर्माण कर अतिरिक्त आय प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इन शिल्पियों को जिला खनिज मद तथा माटी कला बोर्ड के सहयोग से बिजली से चलने वाले चाक प्रदान किए जा रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलक। जमीन के अंदर दफना रखा था 300 डिब्बों में तकरीबन 5,000 किलो महुआ लाहन, नई गढ़ी पुलिस ने कार्रवाई कर किया नष्ट। आपको बता दें कि ग्रामीण अंचलों में अवैध तरीके से बनाई जा रही अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इसी कड़ी में आज नई गढ़ी पुलिस ने रीवा एसपी नवनीत भसीन, एडिशनल एसपी मऊगन विवेक लाल, एसडीओपी नवीन दुबे, नई गढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में महुआ लाहन शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि नई गढ़ी पुलिस ने जयसवाल मोहल्ले में महुआ लाहन शराब पर बड़ी कार्यवाही की है, वहीं अभी भी कार्यवाही जारी है। वहीं नई गढ़ी पुलिस ने अमृतलाल जायसवाल, रामखिलावन जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने 300 डिब्बे तकरीबन 5000 किलो महुआ लाहन शराब को जब्त कर नष्ट करवाया गया है। एडिशनल एसपी मऊगन विवेक लाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि नई गढ़ी पुलिस ने भारी मात्रा में महुआ लाहन शराब जब्ती की कार्यवाही की है, कार्यवाही अभी भी जारी है, आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आइए सुनते हैं इस संबंध में एडिशनल एसपी विवेक लाल से प्राप्त जानकारी के अंश। ये जयसवाल मोहल्ला है, उसके नदी के किनारे। अभी हमारी कार्रवाई जारी है, कितनी मात्रा में है अभी जब पूरी कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद ही हम बता पाएंगे। लगभग जो प्रथम दृष्टया उसने बताया 3-4 हज़ार लीटर की शराब जो है उसने पकड़ी है और दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। ये काफ़ी बड़ी कार्रवाई है और अच्छी कार्रवाई की है हमारी नई गढ़ी पुलिस ने। इसको नष्टीकरण भी किया जा रहा है। इसका नष्टीकरण भी किया। सर कहाँ से सूचना मिली थी? ये मुखबिर से सूचना मिली थी। कहाँ के आरोपी हैं, रहने वाले कुछ? ये आरोपी वही जयसवाल मोहल्ला के हैं। कितने फरार हैं? अभी दो पकड़े गए हैं, दो आरोपियों की हिरासत में ले लिया गया है, अन्य की तलाश कंटिन्यू जारी है। लायंस नेत्र चिकित्सालय रीवा का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर मनोज पुष्प, स्टाफ को किया सम्मानित। रीवा के लायंस क्लब के मरीजों के लिए आयोजित किए गए कार्यक्रम में कलेक्टर मनोज पुष्प निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें कि रीवा के लायंस नेत्र चिकित्सालय में मरीजों के लिए आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में कलेक्टर मनोज पुष्प निरीक्षण करने पहुंचे। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि मरीजों को सर्व सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कार्यक्रम के दौरान मरीजों को दवाई, कंबल एवं फल का भी वितरण किया गया। अच्छे कार्य के लिए लायंस नेत्र चिकित्सालय के स्टाफ को कलेक्टर के द्वारा सम्मानित किया गया। लायंस नेत्र चिकित्सालय रीवा के डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी ने बताया कि वर्ष 1991-92 में लायंस नेत्र चिकित्सालय रीवा की शुरुआत की गई थी, जहाँ अब तक 21,956 ऑपरेशन किए गए हैं। 1,002 मरीजों का सफल ऑपरेशन भी किया गया। डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी ने बताया कि लायंस नेत्र चिकित्सालय ने 100% सफल ऑपरेशन किए हैं, जिससे लायंस नेत्र चिकित्सालय में आने वाले मरीजों का विश्वास निरंतर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि लायंस नेत्र चिकित्सालय में निःशुल्क ऑपरेशन का आयोजन किया जाता है, जिसकी निगरानी स्वयं जिला कलेक्टर करते हैं। आयोजित कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प के द्वारा मरीजों से भी चर्चा की गई। मरीजों से मिले संतोषजनक उत्तर के बाद लायंस नेत्र चिकित्सालय के स्टाफ को सम्मानित भी किया गया। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। क्योंकि एक विजिट से ही जो हमें आनंद महसूस हुआ है, जो जिन्होंने सही में इसमें कंट्रीब्यूट किया है। हमने तो केवल अपना अभी आधे घंटे का समय दिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपनी दवाइयों में, ऑपरेशन थिएटर को ठीक करने में, मशीनें कंट्रीब्यूट करने में, इसके जो इस स्वरूप में आज है उसमें जितने भी कंट्रीब्यूशन दिया है, आज मैं उन सभी को याद करता हूँ और उस सभी को अपनी तरफ से जिला प्रशासन के मुखिया के रूप में मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतनी अच्छी एक धरोहर यहाँ पर उन्होंने तैयार की है, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो अदरवाइज इस संसार की खूबसूरती को देखने से वंचित रहते, उन सभी को आपने उतनी ज़्यादा दिनों तक इस खूबसूरती को देखने का, इसको एंजॉय करने का और अपने दिनचर्या के सभी चीज़ों को आराम से करने का अवसर दिया है। इस पुण्य के भागी आप सभी बने हैं। जो बात हमने डॉक्टर साहब से कही है कि हाईएस्ट स्कोर तो इसी साल का रहेगा, इसमें आप सभी को जिस भी तरह के मेरे हेल्प की जरूरत हो वो इस छोटे से जो टारगेट है उसके लिए भी, और भविष्य में हमको इस लायंस के आईक हॉस्पिटल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जिस तरह के संसाधन और जिस तरह के सुविधाओं की जरूरत है उसमें निश्चित रूप से हम लोग लगातार इसमें कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, ताकि ये स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर भी बने और इसकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट हो। ये हमारे यहाँ लायंस रीवा में जो लायंस का हॉस्पिटल है,
आज कलेक्टर और कलेक्टर साहब आए थे और हमारी जो ऑपरेटेड केसेस थे 23, उनको दवाइयाँ, कंबल, फल का वितरण किया गया। हमारे जो स्टाफ के लोग थे उनको हमने नए वर्ष में सम्मानित किया और आगे की कार्य योजना के बारे में भी उनसे मार्गदर्शन लिया। अधिकतम ऑपरेशन हम करें इसके लिए हमारे पास कुछ यदि जैसे शब्द थे उसके लिए कलेक्टर साहब ने कहा कि नहीं, आप इसे यदि हटा दीजिए, जहां आपको आवश्यकता पड़ेगी वहां हम पूरा रीवा का जिला प्रशासन आपके साथ में है और इस कार्यक्रम को हम बहुत अच्छी तरह से आगे भी बढ़ाएंगे। कितने लोग के ऑपरेशन वगैरह हुए यहां से, क्या कैसे? इस वर्ष 1502 ऑपरेशन हुए इस वर्ष। कुल हमारे ऑपरेशन 21956 हुए जब से स्थापना काल है और हमने ओपीडी में 2,27,000 पेशेंट्स जब से हमारा 1992-91 से प्रारंभ हुआ है तब से हुआ। प्रोसेस क्या रहती है यहाँ पे, इलाज वगैरह की कैसे, क्या व्यवस्था रहती है? हमारे यहाँ लोग आते हैं और उन सब लोगों का जांच होती है, जो ऑपरेशन के योग्य लोग होते हैं उनका ऑपरेशन होता है और ज़रूरतमंद लोगों का सबका हम निःशुल्क ऑपरेशन करते हैं। फीको मशीन से ऑपरेशन होता है और लेंस का ट्रांसप्लांट होता है, जो अन्य जगहों में शायद लोग करते हैं, लेकिन हमारा अपना दावा है कि 100% हमारी जो पेशेंट की जो ठीक होने की रेट है वो 100% है। जिनके हमने उपचार किया है, ऑपरेशन किया है, वो 100% सब लोग ठीक है। आज की खबरों में बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।